यहाँ तो आप भौजी दे दिए थे। तो कहा भाई ताले आ बता पन्निया दे दिया इसे बाहर हम पन्निया परी है कि चाट ले है नि बात है हम आमी जब से ली खोबिन के बिक्री भाई एक बार बता इसे मानता इसे तोहे द्वारे इनके द्वारे चाहे जब खोले चाहे एक भी काम विकास जरूर सही है फिर खाला बना है। लेकिन भैया बहुत जनी यहाँ बच्चे ऐसे पसंद के लिए हैं अंत में सब पैसों रेट हो जाए तो पैसा देखा देना कहीं पैसा और कम कराओ फिर यहाँ लड़ाई के लिए हुई पे हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो फाइनली अभी खाना वाना खा के आ गया दुकान पे। तो दोस्तों आज सुबह से ही बारिश हो रहा क्योंकि हमारे यहाँ आज बाज़ार होता है मंगलवार के दिन और नंदमहर बाबा के यहाँ बाज़ार बहुत अच्छी लगता है हफ्ते में एक बार लगती है दोस्तों लेकिन बहुत अच्छा सेल होता है। तो आज मुझे बाज़ार जाना था लेकिन दोस्तों कुछ कारणों के चलते हम बाज़ार नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश होगा और वहाँ पर जब बहुत मतलब एक भी लहरा अच्छे से बारिश हो जाता है 15-20 मिनट तो वहाँ पर आपको दुकान लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप गाड़ी तो अंदर नहीं हला सकते ना बाहर निकाल सकते एक बार हलजे जहाँ पर आप दुकान लगा दिए वहाँ पर आप बैठे रहो लेकिन जब सारी दुकान हट जाएंगे तभी आपको बाहर निकलना होता है क्योंकि जिस गली में हम लोग लगाते हैं जहाँ पे वहाँ पर नाली जैसा है और बहुत सारा पानी रुक जाता है तो काफ़ी किचकिच हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि फेरी पर निकलने के लिए क्योंकि सारा सामान वैसे रखा हूँ दोस्तों और अभी मैं गाड़ी वाड़ी लेके आ गया दोस्तों और अभी बाइक खड़ी कर दिया दोस्तों यहाँ पर तो अभी चलते हैं लोड करते हैं क्योंकि देख सकते हो दोस्तों अभी देख सकते हो कितना धुंधला सा है और बहुत ज़्यादा बादल है तो हल्का हल्का बारिश हो रहा है आपको नज़र नहीं आता होगा लेकिन हल्का हल्का बारिश आ रहा है और देख सकते हो ज़मीन गिली हुई है। तो अभी चलता हूँ दोस्तों गाड़ी पर लोड करूँगा क्योंकि जैसे थोड़ा सा बारिश ख़त्म होगा वैसे हम निकल पड़ेंगे फेरी के लिए क्योंकि फेरी में ऐसा होता है हम कहीं भी जाते हैं पन्नी लिए रहते हैं तो गाँव गाँव में चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ सेल हो जाता है। जैसे हम मार्केट जाएंगे तो वहाँ दुकान लगाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा बरसात के दिन में क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी फिसलता भी है और उसके साथ साथ में क्या होता है दोस्तों कि हम मतलब जब पल्ली तिरपाल तानते हैं तो उसको भी नहीं तान पाते बरसात में तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अभी फेरी पर निकलूँगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो सेल होगा ही होगा क्योंकि मरपख लगने वाला है जैसे मतलब एक दो दिन रह गया तो इसके पहले जिसको लेना होगा वो ले लेगा कपड़ा उसके बाद हफ्ते बाद ही लेगा। तो अभी बाइक खड़ी कर दिया हूँ पहुँच पहुँच के बढ़िया अच्छे से। तो मैडम जी का भाई तबीयत ख़राब रहता है आके बैठी हैं ये भी लोड कराएंगी बाइक पर हमारे क्योंकि ये लोग पूरा मदद करते हैं तभी हम निकल पाते हैं काम पर। तो अभी ये मेन हथियार है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे भाई आप लोहे का जाली क्यों नहीं बनवा रहे हो। दोस्तों मैं मिस्त्री के पास गया था लेकिन मेरे यहाँ मिस्त्री जो होते बहुत लूज होते हैं तो उनको बोला भाई इसको बना दो अच्छे से तो बोलता भाई अभी थोड़ा एक दिन दो दिन रुक जाओ अभी थोड़ा सा लाइट नहीं है ऐसा वैसा नखरे मारने लगा। तो मैं कहा कि अगर नहीं बनाओगे कहीं और मैं जाके बनवा लूँगा लेकिन दोस्तों जब बनवा लूँगा जो हमारा कपड़े रास्ते में गिर जाता है हमें बार बार खोल के नीचे दिखाना पड़ता है उससे हमें बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा क्योंकि वो रहेगा तो उसी पर हम दिखा सकते हैं कपड़ा अपना खोल के। तो अभी फ़िलहाल ले आया हूँ चलता हूँ इसको बांधता हूँ बढ़िया से दोस्तों। तो भाई फाइनली अभी अच्छे से लोड कर लिया कपड़ा और अभी देख सकते हो भाई पन्नी उन्नी रख लिया हूँ अभी ये पन्नी बारिश होगा तो ढकने के लिए और इसमें देखा हूँ तो आराम से चलते निकलते हैं गांव की तरफ क्योंकि अभी से कुछ ना कुछ बिक जाएगा तो बढ़िया घर में बैठे रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ सेल होगा। तो अभी चलते फटाफट निकलते हैं और आज दोस्तों पन्नी की वजह से थोड़ा सा ये बच जाएगा लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा बारिश होगा तो नहीं बचेगा इसीलिए भाई इसको रख लिया हूँ। आ गई आपकी गली आपके मोहल्ले में लेकर आ गई फैंसी डिजाइन वाले कपड़े। तो आइए बहन जी आइए माता जी जरा बढ़कर आइए आप हमारी गाड़ी के पास में और ले जाइए लेगी कुर्ती और टॉप स्टॉल और लोवर हर कलर हर डिजाइन वाले जी हाँ फैंसी कपड़े मिलेंगे आपके लिए। जी हाँ दौड़ कर आइए भाग कर आइए दाएं बाएं देख टेम्पल ही नहीं है। अच्छा ये कहीं बिछाए रहा तू माटी न कटे ईटा बिछवा दे सबसे बढ़िया बरसा तो बहुत कर
हाँ हाँ नहीं ईटो बिछाए तब वो सही हो जाते। निकाला भैया सकता है थे खोल के देखो मम्मी लेते ना क्या बाहर दवाई क्यों उतार रहा है ऐसा पकड़ ले उठा ले लेते हैं इधर चलो। हां इधर तो खाना दे रहे हैं उनका पैसा किराया सही दे वो करी और मिलेगा ये दूसरी दुकान लो पाड़े का ओ पास ही का होता है कल्लू पास है कोई दूसरा देखा तो दीप पाले भैया का हां खोल ले सब उखड़ी में बस हां वही बच्चे लगा बताएं हां ये लगा बता जो हम तो नहीं खा रहा तो कलर बहुत पसंद करके नहीं खा रहे थे क्या था भौजी दे दिए थे भौजी का कितना दिए 6000 तो का भाई तो ले आ बता पन्निया दे दिया ऐसे बना पन्नी वहां पर ही है चाट ले ही बस हम अब तो अबे तो हका नहीं है केना सीमा हो जब रखी है ये नहीं जो भाई नहीं कहूं अच्छी है बुआ अच्छी साड़ी सब अच्छी है क्या पन्नी ले एक पन्नी है एक बार बताए सही मानदा से तोहरे द्वारे इनके द्वारे चाहे जब खोली था चाहे एक कई विकास विकास जरूर सही है फिर खालत ना है लेकिन भैया बहुत जनी यहाँ बच्चे ऐसे पसंद कर ली है अंत मा सब पैसों रेट हो ये तो पैसा देखा देना कि पैसा और कम कराओ ग्राम फिर यहाँ लड़ाई के लिए हुई पे तो अभी सौ रुपया बहुत मैंने भैया आदत हाँ देखा देखा एक रिकॉर्ड हुआ था जैसे अब तो सभी ले थी है ना हमें पता मने कैसे बात है तो इस वजह से दिखाओ नहीं खुलता है एक बचाला इतनी बार लिखू एक दो बार न लियो तो कोई दिक्कत नहीं ना लेकिन हम ऐसे देखे बहुत जगह ना ऐसे दो बार एक बार दिखाएं फिर दोबारा उनके सबके दुआई मोड़ के नहीं जाए खोते चाहे जितना अच्छा कपड़ा ले रहा फिर जगदीश का हाँ वो इतना हम गाँव में नहीं बाहर दुकान बनाए लेगी ना ज्यादा जितना मने यार कहा हाँ नहीं हाँ मानते तमान मने नहीं रहे हराए गए धोती है अब लेकिन ले आया के बदनाम हमें सब सब ये कहा क्या कहते हैं कि एक के गाते तालाब मछली एक के गंदी रहा है बदनाम सबको के जैसे कढ़ाई तक ले ना ये ला दे झालर वाली चाहिए हाँ झालर वाली अरे किन चीज कपड़ा हम जानते हैं आज दिनदारों का पैसा नहीं दी 1000 दिन मांगा हुआ हुआ तो बच्चे ऐसे लेकिन गरीब दुखे मने के नहीं करे चाहिए लेकिन बस ये रात को पांच उंगली बराबर नहीं रहते उनके वाली दीदी उन्होंने वाली लो सौ हाँ 200 बढ़िया 100 तो जो लाएगी कौशल दवा दे 100 रुपये तो फाइनल दोस्तों अभी मैं गांव से निकला भाई और ऊपर वाले के दुआ से भाई हमारा कुछ हो गया और अभी सेल हो गया इकट्ठा ही दोस्तों 4 साड़ी और दो एक लेडीज़ लिया 4 इकट्ठे एक साड़ी लिया और 3 साड़ी एक लेडीज़ लिया नहीं नहीं 9 साड़ी हमारा निकल गया इकट्ठे ही क्योंकि उनके घर पे थोड़ा सा लेन देन का साड़ी अगर बाकी था तो बोले भैया आप प्रत्येक साड़ी दे रहे हो अभी मैं ले लेता हूँ और मैं भी मौसम देखकर उसी हिसाब से मैं रेट भी लगा दिया और बिक भी गई साड़ियाँ तो अभी
बाइक सामने खड़ी किया हूँ और वहाँ से निकला, फिर बारिश होने लगा तो ये कुटिया मिला तो हम यहीं रुक गए गाड़ी को कवर करके। तो अभी यहाँ से थोड़ा टाइम निकल लगेगा, जैसे मतलब कम होगा बारिश वैसे हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि भाई बारिश होता है तो हमारा थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल पास वर्स रखा हूँ तो इसमें थोड़ा भीगने का डर रहता है, तो इसलिए थोड़ा बारिश होने लगा तो रुक गए। आज पूरा दिन बारिश नहीं निकला, तो थोड़ा थोड़ा निकलता है फिर थोड़ा बारिश होने लगता है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और अब सीधा जाएंगे दोस्तों घर की ओर, क्योंकि यहाँ से हमारा 10-15 किलोमीटर दूर है घर, तो यहाँ से जाएंगे जो भी रास्ते में गाँव पड़ेगा वहाँ हम सेल करते हुए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मौसम अभी आज ऐसा नहीं लग रहा कि आज धूप होगा, कि पूरा मौसम मतलब धुंधला धुंधला है और हवा भी चल रहा है, नहीं तो इकट्ठे बारिश हो जाता, लेकिन हवा चलता तो थोड़ा थोड़ा बारिश होता रहता है। तो अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर बिकेगा नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की दुआ से जो मिलना था मिल गया और हमें लग नहीं रहा था कि आज सुबह सेल होगा। लेकिन दोस्तों गाँव में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि रोड पर खरंजों पर थोड़ा सा मतलब काई पड़ जाता है बारिश के मौसम में और धूल मिट्टी पड़ी होती है, तो जिससे गाड़ी बहुत फिसलता है और उसमें गिर भी सकते हैं। इसलिए मैं अभी ज़्यादा गाँव में नहीं टहलूँगा, क्योंकि जो रोड पर गाँव मिलेंगे जहाँ पर RCC बना होगा वहीं वहीं पर निकलेंगे और बाकी हम धीरे धीरे घर की ओर जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों अभी घर की ओर जा रहा हूँ भाई, हमारा घर अभी नज़दीक आ गया, तो चलते हैं फटाफट भाई निकलते हैं क्योंकि बारिश ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए ज़्यादा गांव में भी नहीं घूमूंगा। तो फाइनली दोस्तों घर पे आ गया और सारा सामान अच्छे से रख दिया दोस्तों, और पल्ली सूखी रही थी, पल्ली कपड़े डाल दिया सूखने के लिए। तो आज दोस्तों पूरा दिन बारिश हुआ, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से हमारा जो सेल होना था हो गया था, बढ़िया सेल हो गया। और दोस्तों बारिश की वजह से थोड़ा आज कम सेल हुआ, लेकिन दोस्तों आज बहुत ज़्यादा सेल होना था, क्योंकि मरफक आज कल से लगने वाला, जिसको कपड़ा लेना था आज ले लेगा, उसके बाद बीच बीच में कपड़ा थोड़ा बहुत बिकता रहता है, ज़्यादा नहीं बिकता, वो थोड़ा बहुत बिकता है दोस्तों, लेकिन जिसको लेना होता वो लेता है। और दोस्तों आज मौसम भी बहुत अच्छा था और धान के लिए बहुत अच्छा है बारिश। तो दोस्तों आज हमारा मार्केट छूट गया, आज मंगलवार था तो वहाँ पे नहीं गए, नहीं तो वहाँ भी अच्छा खासा सेलिंग होता है, तो फेरी में काम हो गया मेरा जो होना था। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास साड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अभी सस्ती साड़ियाँ एक साड़ी भी नहीं बची है, सारा बिक गया दोस्तों, अभी साड़ी लाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अभी सोच रहा हूँ कि अब ठंड का कपड़ा यहीं से उठाऊँगा, उसके बाद अभी नवंबर आएगा तो उसके बाद ठंड का ही कपड़ा बिकेगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, कहता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।